नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो अभी चलो देख लेते एक एक करके सारे कंपनीज के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा लुपिन के बारे में। देखिए लुपिन के ऊपर मैंने जो डिसीजन लिया था वो सबसे पहले आपको बताऊंगा। देखिए एक पैटर्न स्केड हुआ था और एक लंबा जर्नी के पैटर्न स्केड हुआ था। 2021 से लेकर एक बड़ा सा कप बने थे, उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ था। क्योंकि देखिए कंपनी कोविड की सिचुएशन के बाद कंपनी जिस तरीके से कंटिन्यूसली एक जर्नी किया, और मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनीज का जो कंटिन्यूसली जर्नी हो रहा है उस जर्नी के बेसिस में कंपनी कभी ना कभी रीबाउंस करेंगे। क्योंकि कंपनी के हिस्ट्री को अगर चेक किया जाए तो हमेशा कंपनी अप ट्रेंड में रहा हुआ है। तो इतना बड़ा क्रैश कंपनी कभी ना कभी तो रिकवरी करेंगे, तो फाइनली उसको ऑलमोस्ट रिकवरी कर चुके हैं। जिसका लाइफ टाइम हाई था 2125 के आसपास, उसी लाइफ टाइम हाई तक यू टर्न लेकर वो ऊपर गया। तो आप कहेंगे सर कोविड के बाद तो हर फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ, इसका ग्रोथ क्यों नहीं हुआ? देखिए उसके पीछे बहुत सारे रीज़न भी है, वो रीज़न यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस पैटर्न के बेसिस में मैंने एक डिसीजन लिया था। पहले कप बने थे, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, और डिसीजन जब बना था यहाँ पे ब्रेकआउट होने का, तो मैंने देखा कि जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो टारगेट इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे है। तो जब भी कोई एंट्री लेवल टारगेट लेवल जो है वो अगर लाइफ टाइम हाई के नीचे बने तो सोचना वहाँ पे एक अच्छा खासा आपको जर्नी देखने को जरूर मिलेगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसी सिचुएशन के बेसिस में, जैसे यहाँ पे देखिए बहुत दिनों तक होल्ड किया तो एक पेशेंस लगेगा। हमेशा मार्केट में काम करने के लिए आए हैं तो आपको पेशेंस देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर क्या इतना टाइम पेशेंस रखना सही है, कि इतना टाइम पेशेंस रखने के बाद सही में प्रॉफिट मिलेगा? तो मुझे लगता है कि अगर सही कंपनी आपके ऊपर निवेश किया है और कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल को चेक करके आपने काम किया है और कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ किया है, तो मेरे हिसाब से आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा चाहे जितना दिन लगे। तो क्या फाइनली टारगेट अचीव हुआ? हाँ ऑब्वियसली हुआ। कितने दिन में हुआ? देखिए 200 में लिखना चाहूँगा 220 डेज में कितना रिटर्न मिला? 53%। तो 220 दिनों में 50% के ऊपर रिटर्न मिला। ये तो मैं तो सोच रहा कि 2 साल में मिलेगा, तो वो तो 2 साल नहीं गया, सिर्फ 50 दिन में मिल गया। तो सोचने वाला बात है कि कंपनीज के ऊपर पेशेंस ही सबसे इंपॉर्टेंस है। हाँ पेशेंस उस कंपनी के ऊपर दिखाइए जिसका ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में ज़्यादा होने का चांसेस है। ऐसे नहीं कि जो कंपनी ऑलरेडी लॉसेस पे लॉसेस करते चले जा रहे हैं और कंपनी गिरते चले जा रहे हैं, सस्ते में है तो पेनी स्टॉक बन चुके हैं उसके ऊपर बाई करके आप पेशेंस के साथ बने हैं, तो वो आपको शायद एक दो कंपनी आपको रिटर्न दे दे, बाकी कंपनी आपको बहुत बड़ा झटका देने वाला है। तो हाँ आप सीखने के लिए बोले, आप सर मैं सीखने के लिए एक दो क्वांटिटी के साथ काम कर रहा हूँ, वो अलग बात है। एक दो क्वांटिटी में आपका लॉस कितना होगा? आपने 100-200 रुपीज़ लगाया और उसमें से आपको 20-30 रुपीज़ लॉस हो गया। चलो मान ही लेता हूँ कि आपका 50 रुपीज़ ही लॉस हो गया 100 में, तो क्या आपका कोई घाटा होगा? बिल्कुल नहीं। तो पहले आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद काम करना होगा। मैंने किस तरीके से स्टडी किया, क्योंकि जब इस कंपनी के एंट्री बना था तब टाइम पीरियड कौन सा था ध्यान से देखना, December 2023। मतलब मैं दिसंबर के जो क्वार्टर रिजल्ट है उस टाइम का जो क्वार्टर के रिजल्ट है वो मैंने चेक किया। तो आप देखेंगे तो दिसंबर में कितना था, 4300 से सेल्स कितना बढ़े आप देख सकते हैं। एक्सपेंस को देखेंगे, प्रॉफिट को देखेंगे तो 500 से 1000 बने थे, डबल हो गया था। और यही एक कारण है जिस कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव डिसीजन लिया। क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट डबल हो चुके हैं, जो कंपनी का पिछले सालों के तुलना से प्रॉफिट अच्छा हुआ है, पिछले क्वार्टर के तुलना से अच्छा हुआ है, तो क्या उस कंपनी से मैं दूर रहूँ? बिल्कुल नहीं ना। तो इस चीज़ों को आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट होते हैं कि सिर्फ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखकर ही काम कर लेता हूँ, मुझे फाइनेंशियल देखने का कोई जरूरत नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल्स देखने का जरूरत नहीं है। देखिए आप आपके हिसाब से काम तो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मगर मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आपको हमेशा कोई ऐसे वैसे कंपनी आपको हमेशा मिल जाएगा, इस बात को आप भूल ही जाइए। तो आपको हमेशा रिसर्च करके ही काम करना पड़ेगा। हाँ इस कंपनी के ऊपर मेरा अभी करंटली व्यू क्या है, देखिए मेरा अभी व्यू कुछ नहीं है। हाँ मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर फिर से एक फ्रेश और बड़े एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जो लाइफ टाइम हाई है इसी हाई को टच किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक शोल्डर बन के तैयार है, उसके बाद बड़ा बिग हेड बने, यहाँ से अगर छोटा सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो जरूर मैं एक फिर से डिसीजन लेने वाला हूँ। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं पहले से क्या पैटर्न्स बन चुके हैं। अगर मैं प्रीवियस ईयर को देखूँ आप देख सकते हैं
एक बिग शोल्डर बन चुके हैं और एक बिग हेड बनेगा, उसके बाद एक छोटा सैंडल सॉरी एक शोल्डर बने, तो मैं इसके ऊपर पॉजिटिव डिसीजन जरूर लेने वाला हूँ। तो बड़े दो इंस्टीट्यूशन ने इसके ऊपर टारगेट रखा, एक इंस्टीट्यूशन ने टारगेट रखा शेर खान ने टारगेट रखा 2400 का, और देखा जाए तो यहाँ पे के आर चौकसी उन्होंने टारगेट रखा 2445 सॉरी 2443 के आसपास। तो इतने बड़े टारगेट रखा तो मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए मुझे थोड़ा सा शांति दिखाना पड़ेगा, क्योंकि शांति मतलब थोड़ा सा मुझे होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टाइम यहाँ पे बिताए उसके बाद ब्रेकआउट हुए तो एक पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा कि अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। अभी नेक्स्ट कंपनी कौन सा है, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस के ऊपर सबसे पहले मैं डायरेक्टली चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाना चाहूँगा। अगर चार्ट को देखूँ तो पहले एक स्ट्रैटेजीज मुझे मिला था जिसका एक शानदार तरीके से टारगेट मिला और वो भी कम दिनों में, वो है RSI स्ट्रैटेजीज। क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किया था कि इसे RSI स्ट्रैटेजीज को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं, एक बार जरूर वीडियो बनाकर शेयर करिए। अब देखेंगे तो RSI स्ट्रैटेजीज को मैंने किस तरीके से यूज़ किया, जब RSI यहाँ पे देखिए अपर साइड का जो RSI है इसको कहा जाता है सॉरी इसको कहा जाता है 70, इसको कहा जाता है ओवर ब्रॉड जोन, और इसका और नीचे यहाँ पे 30 है तो इसको कहा जाता है ओवर सोल्ड जोन। तो मतलब ओवर ब्रॉड एंड ओवर सोल्ड जोन, इस दोनों पॉइंट को आपको याद रखना होगा। अभी RSI क्या होगा, जब नीचे आएगा इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब RSI 30 के नीचे टच करेंगे, तो उस टाइम चार्ट को भी आपको देखना है कि उस टाइम चार्ट कहाँ पे काम कर रहा है। तो चार्ट अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए तो वहाँ पे एक पॉजिटिव एंट्री में लेता हूँ। तो कहाँ पे एंट्री लिया ध्यान से देखना, इस जगह पे, क्यों, क्योंकि RSI 30 के नीचे गया और यहाँ पे क्या हुआ मतलब कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया, तो इस क्लोजिंग प्राइस में मैंने एंट्री लिया। और टारगेट कहाँ पे लिया, जब RSI यहाँ पे ऊपर जाकर 70 के ऊपर चला गया तब इसका कैंडल जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उस जगह पे मैंने एग्जिट किया। तो फाइनली मुझे 52 डेज में 10% के आसपास प्रॉफिट मिला। देखिए 52 डेज में मतलब एटलीस्ट 2 मंथ के अंदर अंदर 10% का प्रॉफिट मेरे लिए बेस्ट है, और इतने बड़े कंपनी के ऊपर इस तरीके से रिटर्न मिलना बहुत खास होता है। अभी देखिए मुझे लगता है फिर से एक बार फ्रेश देखिए यहाँ पे भी 200 डेज के नीचे आया मगर RSI क्या हुआ 30 के नीचे टच नहीं किया, तो इसको मैं अवॉइड करूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जिस तरीके से RSI कैंडल कैटर्न क्रिएट हो रहा है तो मुझे लगता है RSI फिर से एक बार इस 30 को टच करने वाले हैं। अगर 30 को टच करे तो मैं फिर से यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल चल रहा है और RSI भी 30 को टच करने जा रहा है। तो ये बात मैं आपको इसीलिए बताया क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था कि RSI स्ट्रैटेजीज को मैं किस तरीके से काम करता हूँ, वो जरूर एक वीडियो के माध्यम से शेयर करना है, तो मैंने आपको साथ शेयर किया। और बजाज फाइनेंस कोई ख़राब कंपनी है, कोई बेकार कंपनी है, तो हमेशा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनीज का जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी के ऊपर चीज़ों को पहले समझिए। अगर मैं कंपनी के फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूँ तो हर साल इसका फिक्स्ड एसेट बढ़ते चले जा रहे हैं। और कंपनी के लोन बुक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के बोरिंग्स देखिए इस बार कंपनी के लोन करीबन 3 लाख करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा कंपनी खुद के ऊपर लोन लेकर रखा है, तो जो फाइनेंस कंपनी कंटिन्यूसली लैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो उसका ग्रोथ तो होगा ही, क्योंकि उस कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है, अच्छा खासा सेल्स भी कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है और अच्छा खासा लोन भी ले रहा है। तो सारी चीज़ों को नोटिस करते हुए एक ही बात कहूँगा कि जो कंपनी कर्जे को बार बार लेते चले जा रहे और उस कर्जे को टाइम टू टाइम पेमेंट भी कर रहा है। जैसे प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली कर्जा भी लिया, उस कर्जे को धीरे धीरे करके वो रीपेमेंट भी कर रहा है। तो एक कंपनी बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बजाज फाइनेंस का अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक डेटा आपको दिखाना चाहिए। वो डेटा के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो इंस्टीट्यूशन हमेशा इस कंपनी के ऊपर बुलिश होता है, कभी भी कोई भी एक भी माल नहीं बेचा। तो इसीलिए माल नहीं बेचा क्योंकि जो कंपनी इतना शानदार तरीके से रिटर्न जनरेट करते हैं तो क्या उस कंपनी के ऊपर कोई माल बेचने के लिए तैयार होगा, बिल्कुल नहीं। आप खुद ही देख सकते हैं लास्ट 10 ईयर में कितना, 40%, 5 साल में कितना, 14%। मान ले तो 3 से 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ऑब्वियसली खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्योंकि बहुत दिनों से कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उस रेंज को जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो तब तक इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना खतरा बन सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है इस लेवल के नीचे आए तो एक बड़ा फॉल और भी हो सकता है। जो RSI स्ट्रैटेजीज है उस स्ट्रैटेजीज को मैं जरूर यूज़ करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है आप देख सकते हैं IGL, इंदोपस्था गैस लिमिटेड। तो इंदोपस्था गैस लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक ही है। कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है अगर उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 3400 से लेकर 3500 बने, मतलब सेल्स भी बढ़ चुके हैं। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट
थोड़ा सा कम हुआ। नेट प्रॉफिट कम होने के पीछे दो रीज़न है। पहली बात, कंपनीज के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज भी कम हो गया, 19% से 17% बन चुके हैं। अगर मैं इसके रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी के, देखिए जो डेटोस डे है वो हमेशा एक रेंज के हिसाब से मेंटेन हो रहा है। 30 डेज तक कंपनी का डेटोस डे मेंटेन हो रहा है, और इन्वेंटरी डे प्रोडक्शन करने में सिर्फ 2 दिन लग रहा है। ये सबसे गुड पॉइंट्स है। अगर आपको प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने में सबसे कम दिन लग रहा है, और उसको सेल ऑफ करने में भी कंपनी के ऊपर कम दिन लग रहा है, तो मतलब फटाफट कैश जनरेट हो रहा है, मतलब कैश ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो रहा है जल्द से जल्द। और यही कारण की वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, एक पैटर्न्स बना था शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और इसके ऊपर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन यहाँ पे हुआ, और एक बार रिटेस्ट भी किया यहाँ पे, देखिए एक बार रिटेस्ट किया, और उसके बाद ऊपर जाने का वो कोशिश कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूँ, एक बड़ा लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा, वो लेवल में लेकर चल रहा हूँ 707 के आसपास। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, इस लेवल को आप एज ए रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को एडुकेशन पर्पज़ में समझना। आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए, आपको आपके सेविरिस्ट एडवाइज़र के साथ बातचीत करना चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, मानी मास्टर्स फाइनेंशियल कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने वाला है, तो स्प्लिट जल्द से जल्द देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, उस बेसिस में कंपनी स्प्लिट देने जा रहा है। तो स्प्लिट का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, 22 तारीख आपको मिलेगा। तो जो लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।